Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पूरी तैयारी के साथ हमला बोला खंडरा और अहिल्या देवी ने कैलाश के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। एक्चुअली ये हमला सिर्फ कैलाश पे तो नहीं था, ये हम सब जानते हैं, ये गुन्नू जी पे भी था। मगर गुन्नू जी हमेशा सेफ साइड खेलते हैं, इसलिए वो इस बार फिर से अपने आप को बचा के ले गए। मगर इस हमले की गूंज गुन्नू जी को बराबर सुनाई दे रही थी। चलिए बात करते हैं इस हमले के बारे में, दरबार में जो हुआ उसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि मन खुश हुआ किस तरह पूरी तैयारी करके अहिल्या देवी ने इस मामले को सुलटाया। तो दोस्तों शुरू करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो नेगेटिव पार्टी है वो हर पक्ष का ध्यान रखती है और हर चीज के लिए तैयार रहती है और समय पे बाजी पलट देती है, यानी कि जो सोचा होता है पॉजिटिव लोगों ने उनके ऊपर उल्टा हमला होता है और वो देखते रह जाते हैं कि ऐसा हमने सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया। मगर इस बार बिल्कुल उल्टा हुआ। इस बार अहिल्या देवी और खंडेराव, जिन्होंने सबसे पहले तो ये धमाका किया कि खंडेराव इस सब के बारे में जानते थे, इस पूरी की पूरी जो भी चीजें की गई हैं, पूरी की पूरी पीछे जो भी खेला गया है, जो भी सेफ साइड किया गया है, उसमें खंडेराव की रजामंदी थी। ये देख के, ये जान के तुकू जी बहुत खुश हुए और हमें भी बड़ी खुशी हुई, क्योंकि तुकू जी वाकई में वेल विशर हैं अहिल्या देवी के, तो उनको अच्छा लगा कि खंडेराव ने साथ दिया, वाह क्या बात है। गंगूबा आते हैं कि मुंह पे भी थोड़ी स्माइल आई। तो जब ये चीजें हुई तो गुन्नू जी कैलाश की तो सिट्टी पिट्टी गुम होगी कि ये क्या हो गया, हम तो अभी तक ये सोच के बैठे थे कि जो गद्दी पे बैठा है वो भी हमारा ही बंदा है, वो कैसे गलत करेगा हमारे साथ। तो पहले तो ये उनकी हवा टाइट हुई, फिर उसके बाद जो गुन्नू जी ने फिर से अपना दाव खेला कि नहीं नहीं ये तो इस काबिल नहीं है, खांस रहा है, अभी ठीक नहीं है तबीयत, इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी फिर हम गवाही लेंगे। मगर दोस्तों सब समझते हैं कि गुन्नू जी क्या कहना चाहते हैं, कि जब ये बाहर जाएंगे तो जो नॉर्मल प्रोसीजर रहता है गुन्नू जी का, मार देना या भगा देना वो सब चीजें उसमें चले जाएंगे। इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार खंडेराव ने और अहिल्या ने मिलके बहुत ही फुल प्रूफ प्लान बनाया ताकि न्याय तो इस बार होके ही होगा, है ना। तो वैद्य जी आ गए, वैद्य जी ने अप्रूवल दे दिया। पूरा मॉडर्न टाइम का मुझे याद आ रहा था, कैसे डॉक्टर से परमिशन लेना कि ये गवाही देने काबिल है कि नहीं, और वैद्य जी कह देते कि जी हाँ बिल्कुल ये गवाही दे सकते हैं। तो दोस्तों जब गवाही होती है और गवाही के बाद भी कैलाश अपना वही रूप में सामने आते हैं, तो तब जो श्री हरि और लक्ष्मी जब ये बता देते कि आपका जो जिसमें आपने हमें रकम दी थी यानी कि पैसे दिए थे वो भी हमारे पास है, उसपे तो आपका मोहर लगा है, तो कितना झूठ बोलते कैलाश जी। आखिरकार कैलाश को समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब जो तैयारी इन लोगों ने की है जीत के लिए, जो मेरे ऊपर हमला बोला है उसका एक एक पक्ष, एक एक जो वीक पॉइंट है वो रीड करके आए हैं कि इस पे हम पॉइंट उठाएंगे, उस पे उठाएंगे, इसका जवाब ये होगा वो होगा, यानी कि जो मैंने टाइटल में कहा कि पूरी तैयारी के साथ 100% तैयारी के साथ हमला किया। और जो अहिल्या देवी कहती हैं कि शिवजी के आशीर्वाद, और पक्की बात है इसमें कोई शक नहीं है, शिवजी के आशीर्वाद से ही वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे हौसले के साथ उन्होंने इस फाइट को जीता और खंडेराव ने उनका साथ दिया। मुझे तो बहुत 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 मजा आया दोस्तों, क्योंकि ऐसा ही चाहती थी मैं, आप लोग भी चाहते होंगे कि यस जो लोग इतना सबके लिए भलाई करते हैं वो भलाई के रास्ते में भी ऐसे प्लान्स बना सकते हैं, जरूरी है, क्योंकि जब नेगेटिव लोगों को समझ में नहीं आता तो थोड़ा उनकी तरह सोच के चलना पड़ता है, फुल प्रूफ प्लान बनाने पड़ते हैं, और वही हमें देखने को मिला। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.